जय हिंद एवरीवन, मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में है, कौन से कोर्सेज में कितनी सीट्स हैं, और कैटेगरी वाइज हम लोग देखेंगे कि कौन से कोर्स में कितनी सीट्स हैं, और साथ साथ हम लोग देखेंगे कि कौन से कोर्स का कितना रुपया लग रहा है पर एनम 2023 से 2024 के बीच। ये सारे 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स लिखा गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ सीयूटी यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको सिर्फ सीयूटी यूजी नहीं लिखा है, अंडर ग्रेजुएट नहीं है, ये प्लस पीजी कोर्स है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब एमएससी प्लस यूजी कोर्स को हम लोग 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं। आईएमएससी मैथमेटिकल साइंस के लिए टोटल कितनी सीट है? 20 सीट है, जिसमें से 9 जनरल, 3 एससी, 1 एसटी और 5 ओबीसी और 2 ईडब्ल्यूएस के लिए। फिजिकल हैंडीकैप के लिए एक है, और डीपी के लिए एक सीट है। आईएमएससी फिजिक्स में 9, 3, 1, 5, 2, 1। इस तरह से आप देख सकते हैं सारे कोर्सेज में। मैं थोड़ा स्लो करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे नोटिस करना है कि जो आईएमएससी बायोलॉजी बैकग्राउंड है, आईएमएससी बायोलॉजी का बैकग्राउंड को अपने आप में इसमें टोटल 48 सीट्स थी, 48 सीट्स हैं, और इसको बांट दिया है किस ब्रांच में, बायो केमिस्ट्री में, प्लांट बायोटेक में, माइक्रो बायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी, बायोटेक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सिस्टम बायोलॉजी। तो ये सारे जो ब्रांचेस हैं ना, ये सारे ब्रांचेस आपको मिलेंगे 1 ईयर। तो आप एक और दूसरे सेकंड ईयर फर्स्ट जो 2 साल होंगे, आपको एक साथ सब सारे बच्चों को एक साथ कंबाइंड क्लासेस सब करनी पड़ेगी, ठीक है। बाद में आपको ये सारी क्लासेस, ये सारे ब्रांचेस बांट दी जाएगी। तो बायोकेमिस्ट्री में कितनी सीट है? टोटल 8 सीट है। 3 जनरल के लिए सब सबका सेम बांटा है, तीन तीन जनरल के लिए, एक एक एसटी के लिए, एक एक एसटी के लिए, दो दो ओबीसी, एक एक एलडब्ल्यूएस, 0 0 हैंडीकैप्ड के लिए, ठीक। तो अप्लाइड जियोलॉजी में 2 है, 11 जनरल्स के लिए, और ये धीरे 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 ये सब था। आप एक बार स्लो करके एक बार देख लेना, बाकी सब इंटीग्रेटेड बायोलॉजी को छोड़ के सब में कोई ब्रांचेस नहीं है। तो आप होप्स हो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब पैसे पे बात करते हैं, कितना आपको पर ईयर आपको फीस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए जो अदर फीस है पर सेमेस्टर लगेगा, मतलब हर 6 महीने पे आपको लगेगा। ट्यूशन फी भी पर सेमेस्टर पर हर 6 महीने पे लगेगा। मेडिकल फी पर एनम लगता है, स्टूडेंट एड फंड आपको पर एनम लगता है, मेडिकल फी आपको कंपलसरी है देना। वैसे तो स्टूडेंट एड फीड भी फंड भी आपसे ले लेंगे, डिपॉजिट होगा, रिफंडेबल होगा, वो एकदम कोर्स के एंड में मिलेगा, ग्रैंड टोटल इस बार दिखा देगा। तो अदर फी यहाँ पे 0 है इंटीग्रेटेड एमए के लिए। ट्यूशन फी 2400 है, ग्रैंड टोटल 7,250 रुपया, जिसमें से डिपॉजिट करना है 1,960 रुपये आपको। और सबसे यहाँ पे जो ऑप्टोमेट्री का है वो है 7,260 रुपये अदर फीस। ट्यूशन फी 15,815, स्टूडेंट फीस, स्टूडेंट वेलफेयर 530, और मेडिकल फीस सबका सेम ही है, स्टूडेंट एड फंड भी सेम है। डिपॉजिट इन लोगों को ऑप्टोमेट्री वाले को 3,520 रुपये करना होगा। तो टोटल एक सेमेस्टर 1 साल का आपका लग जा रहा है। यहाँ पे ये लिखा है, इसको आप गुणे दो कर लेंगे, और इस वाली फीस को, अदर फी और ट्यूशन फी को गुणे दो कर लेना, और फिर आप एकदम इसमें जोड़ लेना टोटल। तो अभी पर सेमेस्टर लगभग आपको 29,485 लग जाएगा। तो 1 साल में लग जाएगा आपको कितना, लगभग लगभग 70,000। तो 70,000 1 साल में आपको ऑप्टोमेट्री का लग जाएगा लगभग। मैथ्स स्टैटिक फिजिक्स के लिए ये 8,790 सीट मतलब पैसे लगेंगे टोटल 1 सेमेस्टर में। केमिस्ट्री और बायोलॉजी और हेल्थ साइकोलॉजी के लिए आपको लग जाएगा 10,135 रुपया। तो अदर फी कुछ नहीं है, यही है आपका 3,725 रुपया आपका जो ट्यूशन फी है, और 3,520 रुपया आपका डिपॉजिट है। ये पूरा फुली फंडेड रिफंडेड होगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं एमबीए के लिए 13,750 रुपया, अदर फी 1,17,210 रुपया। तो टोटल 1,38,835 रुपया आपका एमबीए के लिए लग जाएगा, वो भी बिजनेस एनालिस्ट।
एनालिटिक्स के लिए, और जनरल के लिए, जनरल एमबीए जनरल के लिए 56,395 रुपये टोटल। तो ये सारी फीस है। एमएससी बायोटेक के लिए आपको 15,630 रुपये लग रहा है, और एमएससी एनिमल एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको लग रहा है 13,435 रुपये। एमएससी बायोकेमिस्ट्री और एमएड एडुकेशन के लिए लग रहा है 11,445 रुपये। बाकी सब यहाँ पे मेंशनड है। और ये सारी बातें हैं इंटीग्रेटेड, हम लोग ने बात कर ली इंटीग्रेटेड एमएससी के लिए, 6 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी ऑप्टोमेट्री के लिए है ना। एमए के लिए हो गया इंटीग्रेटेड है, यहाँ पे 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी के लिए, और ये सिर्फ एमएससी के लिए है ना। तो लगभग दोनों के लिए सेम ही है, 1,000 सॉरी 10,135 रुपये। होप्स हो ये सारी चीज़ें यूजफुल रही होगी आपके लिए। ये नीचे और भी कुछ दिया गया है, नीचे इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी की फीस है बायोटेक्नोलॉजी की, एक एक साल की 11,040 रुपये। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के लिए है 11,040 रुपये। एमटेक की फीस है 55,805 रुपये। ये सारी फीस यहाँ पे दी हुई है। पीएचडी के लिए ये फीस यहाँ पे मेंशनड है। तो अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए, फीस पेएबल इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ये सारी फीस स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं। तो और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं आपको कोशिश करूंगा वो सारी जानकारी आपको देने के लिए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड इनटेक फॉर द एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज फॉर द एकेडमिक ईयर 2023। मिनिमम क्वालिफिकेशन सीए है, जो हम लोग ने इससे पहले वाली वीडियो में भी हम मैंसे कर लिया है। मैथमेटिकल साइंस के लिए 60% होना चाहिए प्लस टू में फॉर एडमिशन मैथमेटिकल साइंस, मैथमेटिक्स होना चाहिए आपका 12th में है ना। बायोलॉजी के लिए भी मैथमेटिक्स जरूरी नहीं है। कैंडिडेट एडमिटेड इन आईएमएससी केमिकल साइंस, तो वो अपना एक्सपेरिमेंट खुद से कर सके। ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले वाली वीडियो में भी देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो इससे पहले वीडियो जस्ट मैंने अपलोड किया, आपको मिल जाएगी। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।